भैया 3 दिन हो गए पीएफ की वेबसाइट नहीं चल रही, हम उमंग ऐप से भी नहीं भर पा रहे हैं। पहले तो रात में चल जाती थी, दिन में चल जाती थी, कभी तो चलती थी, लेकिन अभी तो 3 दिन हो गए हैं चल ही नहीं रही है। और जहां देखो कोई सोल्यूशन बता ही नहीं रहा है। आपके पास कोई सोल्यूशन है? आप तो पीएफ का काम करते हो, आपका ज्यादा अनुभव है, कुछ पता है आपको। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो मैं आपको इस वीडियो में वो जानकारियां देने वाला हूँ जो बाकी किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। ईपीएफओ ने तो महान काम कर दिया, उन्होंने ये बता दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये मेंबर पोर्टल और एम्प्लॉयर पोर्टल वाली प्रॉब्लम टेक्निकल है और ये ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही ठीक हो जाएगी हम बता देंगे। लेकिन महाराज ये वेबसाइट है या 8वां अजूबा है दुनिया का? ये वेबसाइट केंद्र सरकार की है, कोई लोकल किसी दुकान वाले की भी वेबसाइट इतनी बंद नहीं होती है जितनी ये केंद्र सरकार की वेबसाइट है, जिनके पास लाखों करोड़ का फंड है, जिनके पास 6.5 करोड़ से ज़्यादा, एग्जैक्ट बताऊं तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट देखिए कि कितने इनके मेंबर हैं, जो एक्टिव मेंबर है, जिनके पैसे हर महीने जमा हो रहे हैं। भैया तुम इतने पैसे लेके करते क्या हो, कहाँ क्या करते हो इतने पैसे लेके, जब आप अपने मेंबर्स को एक बेसिक फैसिलिटी नहीं दे सकते कि जब उनको ज़रूरत हो इलनेस में पैसा निकालने की, जब उनके घर में किसी की शादी हो, जब उन्हें घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना हो और उन्हें पीएफ की ज़रूरत हो, तो आप बोलते हो हमारी वेबसाइट ही नहीं चल रही। अरे महाराज पीएफ की वेबसाइट में ऐसा क्या कोई ग्राफिक चल रहे हैं या बहुत कोई बड़ा डिज़ाइनिंग का काम कर रहा है? कोई यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें करोड़ों लोग वीडियोज़ डाल रहे हैं? नॉर्मल सी एक वेबसाइट है, उसको चलाने में आपकी ऐसी तैसी हो रही है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भैया ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, कोई दुश्मनी है क्या पीएफ वालों से? तो साहब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ही गुस्सा हो रहा हूँ, क्योंकि मैं 2018 से इस वेबसाइट को काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप पहले बार इस एरर को देख रहे हो, लेकिन मैं तो ये एरर को देखते देखते पागल हो चुका हूँ। तो भैया ये बताओ कि आपने जो एरर को ये देखते आ रहे हो, कुछ किया भी है आपने इसके लिए? हाँ साहब मैंने किया है, मैंने 2019 में RTI लगाई थी। RTI में मैंने पूछा था कि साहब आपकी वेबसाइट अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 2019 में चल नहीं रही है, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है जिसमें आप बता सको कि इन 3 महीनों में कितने दिन के लिए आपकी वेबसाइट चली है? मेरे को लगा कि भैया बहुत हो गया, हम साला ट्विटर पे जो है जंग छेड़ देंगे, बिल्कुल ट्विटर पे लताड़ देंगे। तो हमने देखा वीडियो, हमने किनका वीडियो देखा? हमने वीडियो देखा ये बड़े भैया जी का वीडियो देखा जिनके 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ये कहते हैं कि भैया हमने ट्वीट किया, ट्वीट का कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारे ट्वीट का कहाँ से कोई जवाब देगा, हमारा तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो ट्वीट करने से भी कोई फायदा नहीं। और मजे की बात सुनिए, जो पीएफ ग्रीवाइंस की वेबसाइट है जहां पे हमें शिकायत लगानी होती है, जब इनकी वेबसाइट नहीं चलती है ना, ये सोचते हैं यार वेबसाइट तो नहीं चल रही, लोग शिकायत करेंगे, तो क्या करते हैं ये, क्या करते हैं कि शिकायत वाली वेबसाइट ही बंद कर देते हैं। ना शिकायत वाली वेबसाइट रहेगी, ना शिकायत आएगी, तो छुट्टी। क्योंकि शिकायत वाली साइट पे अगर शिकायत दर्ज करने का रख दिया तो भैया लाखों शिकायतें आ जाएंगी, उनको जवाब देते देते तो हम थक जाएंगे। इसलिए ऐसा कर, जो शिकायत पेटी है ना उसको बंद कर, ठीक है, वेबसाइट बंद कर, ये भी बंद कर। लोग क्या कर लेंगे यार, लोग कर क्या सकते हैं इनका, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े काम करने होते हैं। अगर 6 करोड़ मेंबर को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वेबसाइट है ख़राब होती रहती है, वो अलग बात है कि 7 दिन में से अगर 3-4 दिन नहीं चली तो कोई बड़ी बात थोड़े है। महाराज ये बता दो कि आपने कोई ऐसी संस्था देखी है जिसकी वेबसाइट 30 दिन में से 20 दिन ख़राब रहती है? कोई संस्था आपने देखी है? केंद्र सरकार की और भी संस्थाएं हैं, GST है, इनकम टैक्स है, और आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप ट्वीट करना चाहते हैं? क्या आप शिकायत लगाना चाहते हैं? देखिए शिकायत वाली वेबसाइट तो इन्होंने बंद कर रखी है, अब आप करेंगे क्या? और ये ऑप्शन हो सकता था कि ये बता देते कि भैया ये वेबसाइट कब चलेगी, लेकिन उतना भी कष्ट क्यों करना है भैया, उतना भी कष्ट क्यों करना है? तुम होते कौन हो पूछने वाले? इनकन्वीनियंस रिग्रेट लिख दिया, इतना ही तुम्हारे लिए बहुत है? अबे तुम छोटे लोग हो भाई, तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंस रिग्रेट लिखना ही हमारे लिए बहुत है। जाओ, ये उनकी कामचोरी है कि अगर वेबसाइट काम नहीं करती है, ये उनकी लापरवाही है, उनका नाकारापन है कि ये वेबसाइट महीने में 10 दिन 15 दिन नहीं चलती है, ये कोई खुशखबरी नहीं है अगर वेबसाइट चल गई, या ये कोई ऐसा एहसान नहीं कर दिया कि इनकन्वीनियंस रिग्रेट लिख दिया तो ये कोई एहसान नहीं हो गया? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि किसकी वजह से ये वेबसाइट महीने में 20 दिन बंद रहती है,
किसकी वजह से ये वेबसाइट 3 साल से लगातार मैं देखता आ रहा हूँ, 3 साल से लगातार कभी ना कभी कोई ना कोई एरर आता ही रहता है। कोई भी दुनिया की वेबसाइट देख लीजिए, अगर कोई भी उसमें मेंटेनेंस का काम होता है तो वो पहले सूचना देके किया जाता है, रात के टाइम पे किया जाता है, हॉलीडे वाले दिन किया जाता है। और यहाँ पे आप 6.80 करोड़ मेंबर का अकाउंट वेबसाइट से एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी दे रखा है, वो वेबसाइट आपकी काम नहीं करती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों नहीं उसको नौकरी से निकाल देते हो? अगर आपके पास कोई आईटी प्रोफेशनल ढंग का नहीं है तो हमारे इंफोसिस, टीसीएस, ये सभी कंपनियां पूरी दुनिया को सर्विस देती हैं, आप उनसे सर्विस नहीं ले सकते हो? पैसे बचाने हैं क्या? क्या करना चाहते हो भाई? लोगों, गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों दुखी कर रखा है आपने? तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं और आपका इसमें क्या विचार है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो आगे चल के ऐसा ना करें कि वेबसाइट चल गई तो खुशखबरी हो गई, बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई, दिए जलाओ, पटाखे फोड़ो, बहुत बड़ी मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। तो जो असली परेशानी है उस तक आपका ध्यान जाए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के बेस पे बना रहा हूँ। और अगर इससे कोई फ़ायदा होगा तो वो आप लोगों का ही होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा।